देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो दृष्टिहीन हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला कि वो कुछ नहीं कर सकती। हाल ही में देश में पहली बार दृष्टिहीन महिला IAS अधिकारी बनी है और उनका नाम है प्रांजल पाटिल। उन्होंने सोमवार को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के सब कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली। प्रांजल महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं और उन्होंने 6 साल की उम्र में ही आँखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटी और कई सारी मुश्किलों को पार कर IAS अधिकारी बनी। वो पहले रेलवे में रिजेक्ट हुई और फिर कई ज़्यादा मेहनत कर IAS की परीक्षा क्लियर कर दी। प्रांजल ने साल 2016 में पहली बार UPSC एग्ज़ाम के लिए कोशिश की और UPSC में 733वीं रैंक हासिल की। उसके बाद साल 2017 में 124वीं रैंक हासिल करने में वो सफल रहीं। सोमवार को प्रांजल को ने अपना पदभार संभाला। इस पदभार को ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कोशिशों से हम वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए। मैं कार्यभार संभालने के लिए बेहद खुश हूँ और खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। एक बार जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ज़िले के उप प्रभागों के बारे में अधिक जानकारी होगी और उपखंड के लिए क्या करना है इसके बारे में अधिक योजनाएँ हो सकती है। बता दें कि प्रांजल ने बहुत छोटी उम्र में अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी। दोनों आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी प्रांजल ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने ब्रेल लिपि के ज़रिए अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ ही उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद ली जिसे वे सुनकर पढ़ती थी। उन्होंने कई ज़्यादा मेहनत की और कई लोग तो उन्हें कहते भी थे कि जब आंखों की रोशनी ही चली गई है तो इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए प्रांजल ने IAS की तैयारी को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से PhD भी की है। प्रांजल अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता के अलावा अपने पति को भी देती हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.